क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, कहना चाह रहा है ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. एक पार्टिकल सरल रेखा में मूव करता है विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के साथ, हैज वेलोसिटी वी वन एंड वी टू, जिसकी वेलोसिटी वी वन और वी टू है. वेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जब उसकी केंद्र से दूरियां एक्स वन और एक्स टू हैं. सो दैट द पीरियड ऑफ द मोशन इज टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर द रूट एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर. मेरे को सिद्ध करना है कि टाइम पीरियड जो है मेरा ये होना चाहिए. क्लियर है ना? हम जानते हैं, ध्यान से सुनना भाई, वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला होता है. क्या होता है रे फार्मूला? होता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर. और जहाँ ए जो होता है, ए बराबर होता है मेरे पास एम्पलीट्यूड. ओके, चलते हैं आगे की तरफ. तो कहना चाह रहा है कि जब वेलोसिटी कितनी है, वी वन है. वैन वी इज इक्वल टू है मेरा वी वन, तो दूरी कितनी है भाई? दूरी है x इज इक्वल टू एक्स वन. दूरी मेरे को दे रखी है x इज इक्वल टू एक्स वन. देखो आप, x वन वेलोसिटी वी वन. ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया. मेरे पास यहाँ से निकला बेटा वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन. आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जब वेलोसिटी कितनी है, जब वेलोसिटी वी टू है, जब वी इज इक्वल टू है मेरा वी टू, तो उस पोजीशन में मेरा एक्स कितना है भाई? एक्स इज इक्वल टू है मेरा एक्स टू. देखो आप, वी टू एंड द डिस्टेंस इज एक्स टू. ओके, चलो मेरे पास रिजल्ट क्या निकला. इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डाली, मेरे पास हुआ वी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर. मेरे को चाहिए है वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर. तो मैं क्या करूँ, सेकेंड इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट इक्वेशन को घटाने पर इक्वेशन सेकेंड में से माइनस किया मैंने इक्वेशन फर्स्ट. ओके, देखो आप, ये निकला मेरे पास बेटा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर. इसमें से घटा न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर. ओके, यहाँ से निकला बेटा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू, ले लिया मैंने कॉमन, ये निकला ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स वन स्क्वायर. ए स्क्वायर कैंसिल. यहाँ से निकला बेटा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, पहले पॉजिटिव लिख लो, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर. आगे की तरफ चलता हूँ. यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया भाई, ये निकला वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर. मैंने यहाँ से म्यू इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू निकाली, ये निकला वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर. ओके, मेरे पास चूँकि टी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है टू पाई अपॉन अंडर द रूट म्यू से. क्लियर? और यहाँ से अंडर रूट म्यू की वैल्यू मेरे पास जो निकली, अंडर रूट म्यू की वैल्यू निकली, अंडर द रूट कितना निकल गया भाई, ये निकला वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर. तो टी इज इक्वल टू जो निकला बेटा, टी बराबर हुआ टू पाई अपॉन अंडर द रूट म्यू की वैल्यू डाल दो आप, म्यू की वैल्यू हुई वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर,
इसके ऊपर, इसको ऊपर ले जाओ। ओके तो टी इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, टू पाई इंटू अंडर द रूट, ये ऊपर पहुंच गया, एक्स टू स्क्वायर कितना भाई, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, गलती कर दिया क्या कहीं, ये यार ये गलत कर दिया यहाँ पे, ये एक्स वन है, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, ये देखो आप एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स वन है बेटा, ये उल्टा कर दिया, ये है कितना एक्स वन स्क्वायर और ये है एक्स टू स्क्वायर, क्लियर, कितना निकल गया एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ओके यही मेरे को टाइम पीरियड टी की वैल्यू चाहिए थी। ओके यहाँ से जो है ना बेटा ये एक्स वन माइनस एक्स टू है, मैंने गलती से इसको गलत लिख दिया, ये एक्स वन है माइनस के कितना है एक्स टू, पहले वाला एक्स वन है माइनस के कितना है एक्स टू, क्लियर है ना। ओके आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, बाय।